सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि हम लोग का जो 501, 502, 503 यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कब तक होंगे और इनका रिजल्ट जो है कब तक हमें प्रोवाइड की जाएगी। यदि आप भी इसको जानने के लिए इच्छुक हैं तो यह वीडियो आप जरूर अंतिम तक देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले कि आपका एग्जामिनेशन कब और किस वक्त होने वाले हैं और इसका जो एग्जामिनेशन जब होंगे तो उसका रिजल्ट जो है कब तक आने की संभावना है। तो आइए हम देखते हैं इसी के विषय में, यानी कि एग्जामिनेशन को लेकर और उनके रिजल्ट को लेकर हम लोग इस बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आप सभी को वेलकम करते हैं, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। हमारे डिजिटल क्लास में आप सभी को स्वागत करते हैं। यहाँ जो हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन, जिसको शॉर्ट में डीएलएड के नाम से जानी जाती है। वैसे स्टूडेंट, वैसे कैंडिडेट, वैसे टीचर जो एनआईएफ से कर रहे होंगे, उनके लिए आज बहुत ही एक खास खुशखबरी लेके आए कि आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है जो कि आप तक हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। यहाँ पर जो हम लोग आज के टॉपिक्स में बात करने वाले हैं, एग्जामिनेशन कब से होगा और रिजल्ट कब तक आएगा, दो टॉपिक्स बहुत ही खास टॉपिक्स होते हैं कि एग्जामिनेशन होगा तो कब होगा और एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आएंगे तो कितना दिन के बाद रिजल्ट आएंगे। तो वन बाय वन करके हम लोग इसका आंसर जानते हैं। तो यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन जो होने वाली है अप्रैल मंथ में होने वाली, आप सभी को पता होगा, आप सभी के जो भी स्टडी सेंटर है उन सारे स्टडी सेंटर पर कुछ मैनेजमेंट आ रहे हैं चेक करने के लिए कि आप लोगों का जो पढ़ाई है सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो उन मैनेजमेंट से बात करने के बाद, मैनेजमेंट जो भी मैनेजमेंट आ रहे हैं, मैनेजमेंट सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन होंगे अप्रैल का लास्ट वीक में या मई का फर्स्ट वीक में आपके होंगे। यानी आपके पास सिर्फ ओनली फॉर वन मंथ के पास जो है आपके पास समय है। वन मंथ में जितने आपको तैयारी करनी है जल्द से जल्द अपना जो है तैयारी कर लें, क्योंकि यहाँ जो अप्रैल का या तो लास्ट वीक में होगा यानी अंतिम सप्ताह में, या तो मई का फर्स्ट वीक में। क्योंकि आप सभी को पता है कि पीसीपी का जो क्लास है बहुत सारे स्टडी सेंटर में अप्रैल मंथ का जो फर्स्ट वीक तक जो है लगभग सारे स्टडी सेंटर पर पीसीपी का क्लास जो है प्रैक्टिकल का जो क्लास है पूरा कंप्लीटली यानी कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 15 से 20 दिन का और आपको समय मिलेंगे ताकि आप अपना खुद से स्टडी कर सके, खुद से तैयारी कर सके। तो यानी कि आप लोग याद रखिए कि आपका जो एग्जामिनेशन होंगे अप्रैल का फर्स्ट वीक में और मई का फर्स्ट वीक में हो सकते हैं, यानी कि अप्रैल का लास्ट वीक में और मई का फर्स्ट वीक में, उसी के बीच में आपके होंगे। क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जो होंगे 3 दिन ही होंगे, ठीक है, 501 का एक दिन, 502 का और 503 का दिन, 3 दिन होंगे, अलग अलग दिन में अलग अलग होंगे। हो सकता है इसमें एक एक दिन का गैपिंग मिल जाए, हो सकता है दो दो दिन का गैपिंग मिल जाए, यानी कि डेली डेली आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा, एक एग्जामिनेशन ओनली फॉर वन डे में ही आपको ली जाएगी। तो आई होप आप सभी को पता चल गए होंगे कि आपका एग्जामिनेशन किस वक्त होने वाले हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिजल्ट को लेकर। तो रिजल्ट जो होंगे विथ इन वन मंथ के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोग को जो है फिर से सेकेंड सेमेस्टर में भी हम लोग को पढ़ना है 504 और 505, तो सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जामिनेशन बहुत जल्द आपको ली जाएगी। इसके कारण जो रिजल्ट भी एक मंथ के भीतर आपको जो है आपको मिल जाएंगे रिजल्ट, और उस रिजल्ट को आने के बाद जो है यदि किसी सब्जेक्ट में कोई क्रॉस करते हैं तो उसका भी एग्जामिनेशन आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आप उसके साथ दे सकते हैं, दोनों का एग्जामिनेशन साथ में दे सकते हैं। आई होप आपको रिजल्ट के भी बारे में पता चल गया हूँ कि हमारा जो रिजल्ट है कब तक आने की संभावना। तो जिस दिन एग्जामिनेशन होंगे उसके एक महीना के भीतर जो है एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट को प्रोवाइड कर दी जाएगी हर स्टूडेंट को, क्योंकि रिजल्ट जो है रिजल्ट को भी आपको लेकर के रिजल्ट भी आपको चेक करना जरूरी होते हैं, क्योंकि रिजल्ट के ना जो है आप 504 505 का भी आगे कैसे तैयारी करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा कितने नंबर आए। तो उसके रिजल्ट का चिंता ना करें, आप सभी का रिजल्ट बहुत ही बेटर होंगे, बस अपना तैयारी सही से करते रहें। हमारे चैनल में जितने भी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दी जा रही उन सभी को बारी बारी से वन बाय वन करके आप लोग देखते रहें। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी को वन बाय वन करके देखते रहें। तो आई होप आप सभी को जो मन में डाउट थे एग्जामिनेशन को लेकर उनके रिजल्ट को लेकर जो आपको डाउट को क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें, उसके साथ साथ बेल का भी आइकन जरूर दबा दें, इससे आपको सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए मिलेगा। और आप सभी ने हमारा वीडियो को पसंद किया, लाइक किया, दोस्तों के साथ शेयर किया, थैंक्स लिख के हमें कमेंट भी बता दिए, तो इन सभी को काम करने के लिए आप सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहते हैं। अगर आपके पास
स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज हो या डब्ल्यू से या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो स्टडी सेंटर को लेकर या लेसन प्लान को लेकर असाइनमेंट को लेकर, तो हमें कमेंट लिखना ना भूले। जल्द से जल्द कमेंट लिखिए, हम आपको जवाब देंगे और आपको आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व करके हम आपको देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ।